इसमें बीच में दोबारा इसलिए उठाऊं कि पहले मैं ये बता दूं किन योजनाओं पर मैं काम शुरू कर चुका हूं, ताकि आपके सजेशन भी मिल जाए। अगर आपको ये नहीं पता लगा मैं क्या कर चुका हूं शुरू, तो आपके वो सजेशन पॉजिटिव शायद ना आ पाए, इसलिए मैं आपका 5 मिनट का समय ले लूँ। साथियों, मैं पुनः आपको जानकारी दूँ, मैंने कुछ काम शुरू कर दिए जिसमें शेड्यूल कास्ट कमीशन दिल्ली में बनाने का पूरा बिल मैंने बना के और फाइल तैयार करके कैबिनेट में इसी हफ्ते लग जाएगा, और कैबिनेट में लगने के बाद एलजी के पास भेजेंगे कि हाँ आप हमें इजाज़त दें इस बिल को विधानसभा में रखने के लिए। वहाँ से तुरंत हो जाएगी इजाज़त और विधानसभा में पास करके दिल्ली में शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाने का हम अब शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कमीशन वैसा ही कमीशन नहीं रह जाए जो केवल मैसेंजर का काम करता है, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का, और दलितों का जो फंड है, सॉरी दलित यूज फिलहाल कर रहा हूँ, जातियों का जो फंड है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो दिल्ली में फंड है, उस फंड के साथ कोई भी अफसर अगर खिलवाड़ करता है दलितों के अपने अनुसूचित जाति जनजाति के हित में, उसको खर्च नहीं करता है, जानबूझ के उसको ऐसी पड़ा रहने देता है, तो उसके खिलाफ भी इसी एक्ट के अंदर कार्रवाई करने का प्रावधान वो भी इस एक्ट के अंदर हम डाल रहे हैं। दूसरी बात, एक योजना बहुत बड़े पैमाने पर हम शुरू कर रहे हैं जिसमें दिल्ली के अंदर जितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं उनके बच्चे नौकरियों की तैयारी के लिए कोचिंग लेते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग लेते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स की तैयारी के लिए कोचिंग लेते हैं, जुडिशरी की कोचिंग लेते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग लेते हैं, तो वो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे चल रहे हैं जो खामे का नाम के चल रहे हैं, जिनमें कोई अच्छे उनका अच्छी इमेज नहीं है। हमने तय किया सरकार की तरफ से कि सरकार जो जाने माने नामी ग्रामीण इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ एग्रीमेंट करेगी और अपने बच्चों को उन रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में जनरल बच्चों के साथ हम फ्री में कोचिंग कराएंगे। दिल्ली की सरकार एसएससी उसमें जो जाने माने रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। शर्त ये रहेगी जो जनरल के बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, अगर उनका 40 का बैच है तो 10 बच्चे उसमें हमारे होंगे, जनरल के साथ पढ़ेंगे, खाली एससी के अलग नहीं पढ़ेंगे। अगर खाली एससी के अलग कर दिए तो फिर टीचर की मानसिकता पढ़ाने वाली नहीं रहेगी। उसमें एक प्रोविजन और किया है, 75% बच्चे सरकारी स्कूल से लेंगे हम, 25% बच्चे हम लोग प्राइवेट स्कूलों से भी लेंगे, क्योंकि प्राइवेट में भी ईडब्ल्यूएस में भी हमारे बच्चे हैं और कुछ छोटे मोटे पब्लिक स्कूल हैं जो नाम पर तो पब्लिक स्कूल हैं लेकिन 500-700 रुपये 1000 रुपये तक की फीस में भी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ तो गरीब लोग के भी अच्छे पढ़ रहे हैं, तो ताकि उनको भी मौका मिल सके, इसलिए 25% हमने पब्लिक स्कूल के लिए भी सीटें रखी हैं। उसमें एक प्रोविज़न और किया हमने कि 0 से 2 लाख तक की इनकम वालों का पूरा पैसा सरकार देगी, और 2 लाख से ऊपर 6 लाख तक के जो इनकम वाले ग्रुप हैं उनका 75% सरकार देगी, 25% वो बच्चा देगा। पहले प्रोविज़न रखा था पूरा हम देंगे, लेकिन फिर मुझे याद आया जब गोंडा के अंदर बच्चों को हम फ्री पढ़ाते थे तो बहुत सारे बच्चे जब मर्जी छुट्टी कर लेते थे, उनके पेरेंट रोकते नहीं थे कि तू क्लास के लिए क्यों नहीं गया, ट्यूशन में क्यों नहीं गया। तो हमने वहाँ फिर थोड़ा चेंज किया अपनी नीति में, हमने 8वीं क्लास तक की फीस कर दी 15 रुपये और 9वीं 10वीं की कर दी 25 रुपये। उसके बाद हमारे बच्चे रेगुलर हो गए, छुट्टी होनी बंद होगी, क्योंकि जिस पेरेंट की जगह 15 रुपये 25 रुपये जा रहे थे वो बच्चों से पूछने लगे कि भाई क्लास में क्यों नहीं गया। इस वजह से हमने किया कि 75% सरकार देगी 2 लाख से ऊपर इनकम वालों को, 6 लाख तक वालों को, और बाकी का 25% पेरेंट देंगे। तो ये योजना, इसमें और भी कोई अच्छा सुझाव देना चाहे तो एक तो उस पर सुझाव हम देते हैं, दूसरी बात शेड्यूल कास्ट कमीशन पे कोई सुझाव देना चाहे उस पर सुझाव हम देते हैं, तीसरा एक काम और हम शुरू कर रहे हैं, जो पिछली सरकारों ने नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की है और हमारे बच्चे इतने पढ़ाई में पीछे छूट गए, इतने पीछे छूट गए कि वो हिंदी में बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं लिख सकते और 8वीं पास हो गए,
ऐसे बच्चे क्या बनेंगे, उनका क्या भविष्य होगा। तो एक तरफ तो नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करने का लिए हमारी सरकार बिल पास करके सेंटर में भेज चुकी है और वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ हम अपना प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक प्रयास, मैंने टीम बनानी शुरू कर दी है। शाम को जो अपने अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, वाल्मीकि मंदिर, रविदास चौपाल, इस तरह की जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी, वहाँ हम अपने बच्चे जो पढ़ाई में पीछे छूट गए, कमजोर हो गए, उन बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देना पूरे दिल्ली में कोने कोने में शुरू करेंगे। उसके लिए जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बीए बीएड कर ली, एमएड कर ली, ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे हैं, अपने ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को उस मुहिम के साथ जोड़ेंगे कि वो अपने ही बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएं। उनको पॉकेट मनी हम देंगे, कहाँ से करेंगे अरेंज, वो हमारे जैसे लोग सब तय कर लेंगे कि उनको पॉकेट मनी मिल जाए, लेकिन वो बच्चों को मन लगा के पढ़ाए, और हमारे जो बच्चे पढ़ाई में पीछे छूट गए वो थोड़ा आगे बढ़े और आगे आके। एक योजना सरकार से और चालू करवाई है, और एक चीज और मैं आपको खुशी की बताऊं, ये बच्चों को शाम को फ्री पढ़ाने वाली बात में माननीय अरविंद जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जगह जगह जाके अपनी पार्टी के वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए तुम सहयोग करो। ये पहली बार कोई मतलब मुख्यमंत्री भी इस मुहिम में शामिल हो रहा है, मुझे खुशी है उनके लिए भी। मुझे लगता है हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि बच्चे जो कमजोर छूट गए, और हम जानते हैं कौन छूट गए, निष्पक्ष रूप से हम जानते हैं, उनको फ्री में पढ़ाया जाए, उनको थोड़ा सा उनका जो स्तर गिर चुका उसको उठाया जाए, उसमें सहयोग की अपील वो भी जगह जगह जाके हर मीटिंग में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस मिशन को पूरे मूवमेंट की तरह चलाएंगे ताकि हर कॉलोनी में हमारे लिए बच्चों के लिए हम कोचिंग का काम शुरू कर सकें, और ये हमें जल्दी करना है। इसमें ये भी सहयोग चाहिए, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अपना नाम लिखा दें, उनको हम पॉकेट मनी नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को मन लगा के पढ़ाएं। क्योंकि मुझे याद है जब हम बच्चों को फ्री पढ़ाते थे 450 बच्चे आते थे हमारे पास, वहाँ के आसपास में जितने सरकारी स्कूल थे सभी में हमारे बच्चे टॉप करने लगे जब हम पढ़ाते थे। 6.5 साल पढ़ाए हमने लगातार, और जितने सरकारी स्कूल के टीचर ट्यूशन पढ़ाते थे उनके ट्यूशन फेल हो गए, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट था। तो वो दोबारा दोहराने की कोशिश है, हम लोग अपने बच्चों के लिए ये भी शुरू कर रहे हैं। तीसरा बता दूँ, हम लोग अपना जो DSFTC है उसके ऑफिसर्स को मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है, सोमवार मंगल तक मैं कमेटी बना रहा हूँ, 3 लोगों की कमेटी, जिसमें जो 2 सरकार के प्रतिनिधि होंगे, एक समाज में से जाटो साहब को ले रहा हूँ, कि ये जो लोन की स्कीम है आम लोगों को उसका फायदा मिल सके उसकी शर्तें थोड़ी ढीली करनी है। उस शर्त को ढीली करने की शर्तें तय करने में ये 3 सदस्य कमेटी बना रहा हूँ, जिसमें विशेष जाटो साहब से निवेदन रहेगा वो जितनी ज़्यादा ढीली से ढीली शर्त करवा सके, ताकि हमारे आम लोग, हमारे युवा उस लोन का लाभ उठा सकें, लोन आसानी से उन्हें मिल सके। तो ये स्कीम हम लागू कर रहे हैं, जिसमें कोशिश करेंगे 1 लाख तक वाली में तो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अभी जो स्कीम में हमने पिछले दिनों कम की है, छूट दी है, उसमें हमने 50,000 तक के लोन को तो बिल्कुल बिना किसी सिक्योरिटी कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है 50 को भी बढ़ाएंगे कम से कम 1 लाख तक, ठीक है। और हमारे DSFTC के तरफ से, SST विभाग की तरफ से, हम अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू कर रहे हैं, कुछ हम चालू कर चुके हैं, कल भी कुछ मैंने बच्चों का किट बांटी है जिनका कोर्स पूरा हुआ है, उसमें ऐसे कोर्स सिखा रहे हैं उनको, जो बच्चे हमारे पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन कराना कोई फ़ायदा नहीं है, उनका पता लग जाता है पढ़ने में कैसा है, ऐसे बच्चों को 10वीं 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में भेजने की बजाय टेक्निकल कोर्स में भेजना है। और कॉलोनी कॉलोनी में से आप सबका सहयोग चाहिएगा, उसमें आप कॉलोनी कॉलोनी से ऐसे कमजोर बच्चों को हमें देना, हम उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर की ट्रेनिंग करवाएंगे 6 महीने की, और उसमें हमने एक प्रोविजन डाल रहे हैं कि 5 महीने की तो उसकी होगी ट्रेनिंग, जिसमें उसकी थ्योरिटिकल होगा, और 1 महीने का उस पर अप्रेंटिसशिप किसी कंपनी में करवाएंगे, ताकि उसका प्रोफेशन आ जाए, और इस 1 महीने में उधर तो अप्रेंटिसशिप देगी, उधर उसकी लोन की एप्लीकेशन तैयार करवा के DSFTC से इतना करेंगे, जैसे ही वो अपना 6 महीने का कोर्स करके निकलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके, तुरंत उसको लोन मिल जाएगा, उसको धक्के ना खाने पड़े, वो पैसे से अपना रोजगार शुरू कर सके। ये भी स्कीम हमने, हमारी जल्दी पटरी पे है, आने वाले 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम अपनी ये सारी स्कीम बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च करने वाले हैं। अब ये देखना है कि तालगढ़ और इंडोर सीरे का होगा, कहाँ होगा, देख लेते हैं जहाँ अवेलेबिलिटी होती है,
उस पर हम अपने ही समाज के लोग इकट्ठा करके इन स्कीमों को लॉन्च करेंगे अपने समाज के हित में। और एक निवेदन रहेगा, स्वराज ये दिल्ली स्वराज का समिति है जिसका काम, उसका भी काम इस तरह के कोर्स करा के लोन देने का है, वो लोन दूसरे वाले विभाग से आता है, उसके तहत भी हम लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे और वहाँ से भी लोन दिलवाएंगे। मतलब कोशिश ये रहे कि एक तो वो जो SC ST बच्चों को जो कोचिंग करानी है मुफ्त वाली, उसमें पहले बैच में कम से कम 1000 बच्चे तो समाज में ढूंढ ढूंढ के दे देना। IAS की कोचिंग, IAS IPS की कोचिंग, बैंक की कोचिंग, असिस्टेंट ग्रेड की कोचिंग, और उसके साथ साथ जुडिशरी की कोचिंग, इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस की कोचिंग। लेकिन इसमें सहयोग ये करना, हमारे लोग अखबार में एडवेड पढ़ते नहीं हैं, अखबार भी बहुत कम लोग ढंग से पढ़ते हैं। अगर केवल अखबार के भरोसे छोड़ दिया तो कोर्स भी शुरू होगा और बच्चे नहीं आ पाएंगे। तो इन सारी संस्थाओं की जिम्मेदारी है वो अपने अपने दिल्ली के कॉलोनी कॉलोनी से ला के बच्चों को उसमें भर्ती कराएं, ताकि कम से कम पहली बैच में 1000 से शुरुआत हो जाए और उसके बाद हम इसे 5000 तक कम से कम लेके जाएंगे कि एक साल में हमारे 5000 बच्चे ये कोचिंग लेके निकले और कामयाब हों। जब ये बच्चे IAS IPS बनेंगे, ये बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ये बच्चे जज बनेंगे, तो इन्हें हमेशा याद रहेगा कि समाज के पैसे से मैं पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो समाज के लिए काम करेगा कुर्सी पर बैठने के बाद। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम शुरू कर चुके हैं, जो लागू होने में थोड़ा सा 1.5 महीने का टाइम बाकी है, 6 दिसंबर को लॉन्च करेंगे। एक हम ऐप भी बनाया, हमने DSFTC की तरफ से एक ऐप हम लॉन्च करने वाले हैं। उस ऐप में क्या होगा कि जैसे ही लोन के लिए उस ऐप पे आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, करने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म। जरूरी नहीं है फिर उसके लिए आप पैरवी करो और बार बार धक्के खाओ वहाँ जाकर ऑफिस में अप्रोच करो। हमने वो ऐप इस तरह डिजाइन किया, आपने एक बार अप्लाई किया तो समझ लो वो उस ऑफिसर के टेबल पे पहुंच गई और उसमें ये डाल दिया। फिर उस ड्यूटी उस ऑफिसर की है कि जिसने अप्लाई किया उसके घर जाए, उसके सारे डॉक्यूमेंट पूरे करवाए और उसकी लोन की पूरी प्रक्रिया करके उसको लोन दे। और अगर वो ठीक बरतता है ऑफिसर, तो वो ऐप जो है हम कंप्यूटर खोल के मैं अपने ऑफिस से चेक करता हूँ, अगर या MD चेक करता है, जनरल मैनेजर चेक करता है, तो उसको ये दिख जाएगा कि ये कौन से बच्चे की फाइल किस ऑफिसर के टेबल पे किसने लटका रखी है। जिसने लटका रखी है फिर उसके सर्विस रिकॉर्ड में लगा दिया जाएगा कि इस ऑफिसर ने जानबूझ के फाइल को लटका के रखा। बहुत अच्छे से डिजाइन किया। अब मैं एक चीज दो चीज़ और जानकारी दे के अपनी बात खत्म करूँगा और उसके बाद मैं आपका चाहूँगा आप सुझाव दें और हम बेहतर क्या कर सकते हैं, एक तो इस मुद्दे पर, दूसरा हम इन संगठनों को जोड़ के अनुसूचित जाति के नाम पे कैसे एकजुट कर सकते हैं, इन दो पे थोड़ा आप सुझाव देंगे। लास्ट में एक बात मैं वो बता दूं, पिछले दिनों मैंने देखा जो सफाई कर्मचारी आयोग है दिल्ली का, उसके चेयरमैन संतरा चावरजा जी बैठे हुए हैं, उसमें दो टेम्परेरी मेंबर है पार्ट टाइम, परमानेंट मेंबर ही नहीं। भाई फिर काम क्या होगा? मैं ये चाहता हूँ ये जो हमारा सफाई कर्मचारी आयोग है, दो मेंबर नए बना दिए, हमारे पास फाइल LT से होके आ गई है, अब वो नोटिफिकेशन होना बाकी है, मंगलवार तक नोटिफिकेशन।